सवाल है सर, देसी आम क्या होते हैं, देसी आम का पेड़ कैसा होता है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, देसी आम के पेड़ हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में। बहुत बड़ा होता है, महाकाय होता है देसी पेड़, एक दिन में नहीं होता, लेकिन उसकी उम्र जैसे 50 साल का अगर पेड़ हो गया तो लगभग 40 फीट तक हाइट प्राप्त कर लेता है। अच्छा बड़ा पौधा रहा है और बड़ा महाकाय होता है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आप देसी पेड़ की भी अगर ग्राफ्टिंग करते हैं तो वहाँ पेड़ एकदम छोटा बन जाएगा बोंजाई। आप ग्राफ्टिंग करते हैं तो देसी रहे नहीं विदेशी रहे, ग्राफ्टिंग करने का मतलब यह है कि आप पेड़ की हाइट कम कर रहे हैं और उसकी हाइट कम होके जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग लगे, तो यहाँ ग्राफ्टिंग का एक फ़ायदा है। तो देसी वेराइटी में भी अच्छी वेराइटीज़ है, कोई ज़रूरी नहीं कि अपन जो ये मार्केट में जो आम है या सभी हाइब्रिड वेराइटी के। तो जनरली जैसे आपको बताना चाहूँगा, केसर यहाँ गुजरात का फॉरेस्ट का आम है, यहाँ देसी वेराइटी केसर, लेकिन वहाँ जंगल से उसका कलम लाके उसको यानी स्प्रेड किया गया उसका कलम करके, तो ओरिजिनली वो हाइब्रिड नहीं है केसर, लेकिन उनका टेस्ट दुनिया में बहुत अच्छा जाना माना। जैसे अपना दशहरी है, तो दशहरी दो आम का क्रॉस है दशहरी की वेराइटी, ये ख्याल में, रत्ना भी दो आम की वेराइटी है, आम्रपाली भी दो आम का क्रॉस है। तो दोस्तों, ऐसे हाइब्रिड वेराइटी की अगर से आप लगाते हैं तो आपको वो ओरिजिनल क्वालिटी कभी नहीं मिलेगी। 100 प्लांट लगाओगे बुखली के दशहरी के तो आपको 100 प्लांट ओरिजिनल क्वालिटी मिल सकता है, अदरवाइज तो उसी प्रकार की कहानी बता चाहूँगा। तो देखिएगा, यहाँ देसी आम देखिएगा, यह देसी आम, तो इसकी कहानी मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहले ही बता दूँ, दशहरी यहाँ वेराइटी दो आम से मिलकर बनाई हुई हैं। इसलिए दशहरी के हमारे फ्रेंड ने जब गुठली लगाए थे तो कुछ दिन बाद बड़ा होने के बाद इस प्रकार का मैंगो फला, तो यहाँ देसी वेराइटी ओरिजिनल वेराइटी पे उतर गया। तो इस प्रकार देसी आम होता है, इससे भी 2-3 पट होता है देसी आम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, देसी आम में भी आपको अच्छी वेराइटी मिलेगी, आधा किलो तक की भी वेराइटी देसी आम में मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देसी आम की जनरली जो गुठली है, जो मैं आपको प्रीफर किया हूँ, इस प्रकार आम है, इससे बड़ा साइज का भी आम होता है। लेकिन देसी आम की गुठली जो होती है उसकी गुठली पतली नहीं होती, मोटी होती है, गोलाकार होती है, और उससे जो पौधा निकलता है वह स्ट्रांग निकलता है और कलम करने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है। और जो पतली गुठलियाँ होती है, जैसे आप अगर से दशहरी की गुठली देखेंगे तो पतली होती है, तो ऐसे मैंगो की अगर आप गुठलियाँ अगर से लगाते हैं तो उसकी जड़ें टेढ़ी मेढ़ी गोल गोल जाती जमीन में, इसलिए वहाँ पौधा ग्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इस प्रकार जो देसी आम जो होता है, जिसकी गुठली गोलाकार होती है, अंडे जैसी गोल होती है, तो उन्हीं गुठलियों से जो पौधे निकलते हैं वह सॉलिड होते हैं, उनका जो टैप रूट रहता है जमीन में सीधा जमीन फोड़। हाय फ्रेंड, देखिएगा यहाँ सीड, देखिएगा गोलाकार सीड है, देखिएगा इस प्रकार मोटाई, देखिएगा यहाँ आम का साइज छोटा था इसलिए इसकी गुठलियाँ इस प्रकार की। लेकिन जब आप इससे बड़ा देसी आम अगर सिलेक्ट करते हैं तो इससे डबल मोटी आपको सीड मिलेगी। फिर भी इस आम की भी सीड बहुत उपयोगी है, जैसी इस प्रकार गोलाई वाली सीड्स आप अभी कलेक्ट कर लीजिएगा और बेड बना लीजिएगा गोबर खाद पत्तियों का, और बेड बनाने के बाद उस पर बिछा दीजिएगा और उस पर लगभग 1 इंच आप कंपोस्ट डाल दीजिएगा और कंटिन्यू पानी डालते रहिएगा। अगर जो आपको अर्ली ग्राफ्टिंग स्टार्ट करनी है तो जल्दी से जल्दी ग्राफ्टिंग स्टार्ट करें। अभी अगर आपको गुठलियाँ ऐसी मिलती है, आपको आम की मैंगो की कंसीडर करो, तो आप इन गुठलियों को बेड बना के इसे पानी डालते रहिएगा हर दिन, तो आपको 25 से 30 दिन के अंदर नए पौधे मिल जाएंगे और गुठली कलम जो मैंने बताया था, गुठली कलम करने के लिए आपको उपयुक्त होगा। अगर से आपको गुठली कलम नहीं करने की है, तो जिसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं वो नहीं करने की है, तो जैसे स्टोन ग्राफ्टिंग अगर करते हैं तो स्टोन ग्राफ्टिंग का रेट भी 90% है दोस्तों, एक ख्याल में रखिएगा। जैसी पौधा निकला और उसकी हाइट, जैसे लाल पत्ती निकल गई, वहीं काट के आपको गुठली कलम, तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा, गुठली कलम की वीडियोज है ऑलरेडी, इसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहा गया है, उसका 80-90% सक्सेस रेट है, किस प्रकार करने का पूरा डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको मिल जाएगा। और रही बात, इसके बावजूद अगर आपका वैसा इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर पौधा निकलने के बाद में गुठलियों के साथ में रूट को आप पानी डाल दीजिए, पहले गादी वाफे को, बेड को, और उसके बाद में पूरा उन्हें उखाड़ लीजिएगा रूट के साथ में पूरा, और फिर उसे पॉकेट में लगा दीजिएगा, और पॉकेट में लगाने के बाद में जब वो पॉकेटिंग प्लांट जैसे 1 फुट ऊँचा हो जाता है, उसके बाद में आप उस पर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो एक और बताना चाहूँगा, जब 1 फीट का पौधा हो गया, 2 फीट का पौधा हो गया, उस पर जब ग्राफ्टिंग करते हैं,
फीट के ऊपर, तो उसका एक फायदा अगर से ग्राफ्टिंग फेल भी हो गई तो उतना पोर्शन कट करके आपको फिर से 15 दिन के बाद में, 15 दिन में पता ही चल जाता है आपकी सायन अगर गीली है तो सक्सेस होने के चांसेस 100%, और सूख गई कंसिडर करो तो उतना पोर्शन कट कर दीजिएगा जो आपने वर्टिकल चीरा मारी है, वर्टिकल कट मारी है, उतना पोर्शन कट करके फिर से डबल आप 15 दिन बाद में फिर कीजिएगा, फिर फेल होगी उतने इनका फिर, तो आपको कम से कम 3 से 4 बार ग्राफ्टिंग करने के लिए उसी प्लांट पर मौका मिलेगा। एक फायदा दोस्तों।